मॉड लगाओ, और जब मॉड लगाएंगे तो ये -1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, है ना। मॉड लगाने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे मॉड लग जाएगा ये, और फिर यहाँ पे मॉड लग जाएगा ये, और फिर यहाँ पे भी मॉड लग जाएगा, इस तरीके से। तो ये 1 बन जाएगा, और 1 बनेगा, और ये आपका जो ये दिया हुआ इंटरवल वो यही रहेगा, दैट इज -2 और x, और यहाँ पे 0। और अगर ये x² -1 जो है, अगर इसमें मॉड लगेगा ना, तो फिर ये ब्रेक होगा 2 पार्ट में। देखो 0 से लेके 2 तक बोला है, तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेके 1 तक लिखेंगे, और उसके बाद आप बोलेंगे कि फिर 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक जाएगा ये। 0 से 1 में देखो, ये जो x² -1 है, ये निगेटिव के साथ खुलेगा, क्योंकि 0 से 1 निगेटिव वैल्यू है, 1 से छोटा नंबर होगा, और 1 से छोटा मतलब ये वैल्यू अंदर में निगेटिव आएगा, तो मॉड में आप यहाँ देखेंगे तो ये माइनस के साथ बाहर निकलेगा, और यहाँ पे 1 से 2 में ये पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो ये बनेगा x² -1 सीधा, है ना। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा ये कुछ ऐसा आएगा 1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 -x², और यहाँ पे आ जाएगा x² -1, है ना। ये हो गया x का वैल्यू 0 से छोटा, एंड दिस इज -2, और फिर यहाँ x, ये हो गया 1, एंड दिस इज 0, और यहाँ हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया एफ एक्स होल मॉड का। अब यहाँ पे जो एफ एक्स का जो मॉड लिखा हुआ है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा ग्राफ बनाओ, है ना, और ग्राफ भी बता देते हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि ये सीखना भी जरूरी है आपको, है ना। देखिए, आप जो फंक्शन दिया हुआ ना एफ एक्स, इसका ग्राफ आप कैसे यहाँ पे बनाएंगे, ध्यान दो। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना ये है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -2 से लेके 0 तक, है ना, इसको भी मिटा दे रहे हैं, है ना, जो ओरिजिनल फंक्शन था इस पे आते हैं लेके। ये है देखो, -2 से लेके 0 तक में फंक्शन का वैल्यू कितना है, -1 है। तो मान लो अगर कहीं पे यहाँ पे -2 है, और फिर कहीं यहाँ पर 0 होगा, और फिर देखो 0 से लेके 2 तक दिया इंटरवल, तो 0 से लेके 2 तक ये हो गया। -2 से लेके 0 तक में फंक्शन का जो वैल्यू है वो -1 है, मतलब -2 से 0 में फंक्शन का वैल्यू -1 है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, डॉटेड लाइन, ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो, ये बना दो, है, क्योंकि फाइनल फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है। ये हो गया, मान लो ये वैल्यू आपका -1 है, ठीक है। उसके बाद 0 से लेके 2 में देखो क्या है, x² -1 है। तो 0 से 2 में जो x² -1 लिखा है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो तुम देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x² का ग्राफ बनाना है, और उसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देना है, मतलब हम कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं, आप x² का पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो, मान लो अगर हम ये ग्राफ इस तरीके से, देखो मानो अगर ये ग्राफ हम इस तरीके से बना दे, x² का ग्राफ ये हो गया, ठीक है, ये x² का ग्राफ है, और अगर x² -1 का ग्राफ बनाना होगा, तो 1 यूनिट इसको नीचे शिफ्ट करेंगे। तो पहले इसको हम लोग खींच के बड़ा करें, चलो ठीक है, रन दो, ठीक है। तो x² -1, ये x² का ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका x² का, और बोला है x² -1 चाहिए, तो -1 चाहिए, तो इसको ना 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और जब ये नीचे शिफ्ट होगा, तो अब इसको तो खींचना ही पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। 2 पे चेक करो, 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है, अगर 2 यहाँ पुट कर देंगे ना यहाँ पे, तो 2 2 4 हो गया, 4 -1 3 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर हाइट इसका 3 तक जाने वाला है, ठीक है। और इसको भी खींच के ले जाओ, और उसके बाद इसको अब नीचे शिफ्ट कर लो, थोड़ा सा होगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ, यहाँ तक रखेंगे आप इसका लिमिट, ये हो गया। लेकिन आपसे क्या बोला है, 0 से लेके 2 तक ही चाहिए, तो 0 से 2 में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हट जाएगा, तो इस वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए। तो इस वाले पोर्शन को हटाने के लिए, ये तो हटेगा नहीं, तब हम लोग को अब यही हटाना पड़ेगा, चलो ये हटा, हम ग्राफ यहाँ पे सीधा खींच दे रहे हैं। आप देखो, यहाँ से ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, और यहाँ तक आप ले जाओ, 2 तक लिमिट था, तो 2 पे जाओ, 2 पे रखो, 4 4 -1 3 हो जाएगा, मतलब इसका जो हाइट मिलेगा वो कहाँ तक मिल रहा है, 3 तक मिल रहा है, चलो हो गया। ये हो गया आपका 0 से लेके 2 तक का ग्राफ, इसका x² -1 का, है ना। अब देखो बात यहाँ पे क्या है ना, कि ये जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ बना है एफ एक्स का, लेकिन एफ एक्स का ग्राफ देखो, एफ एक्स का ग्राफ बना है, ये पूरे का ग्राफ बना हुआ है ये, लेकिन आपसे एफ एक्स का ग्राफ नहीं पूछा है, आपसे पूछा है एफ एक्स के अंदर मॉड लगा हुआ है, और जब भी एक्स के अंदर ऐसे मॉड लग जाए ना, तो आपको नेगेटिव वाला वैल्यू लेना ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पूरा सिमेट्रिकल हो जाएगा वाई एक्सिस का। उस केस में क्या करेंगे आप, जो ये एक्स नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन को हटा दीजिए, और इस वाले पोर्शन का आप मिरर इमेज बनाओ इस वाले एक्सिस के अबाउट, मतलब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको आप इस तरीके से खींच दीजिए, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना, ये
तिरछा उछा चल जा रहा है, ये हो गया। तो ये जो ग्राफ बना, अब तुम सोचो ये ग्राफ किसका है, ये तो ग्राफ उसी का है, किसका भाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ लग रहा है ये तो। हाँ तो एग्जैक्टली वो उसी का ग्राफ है ये, ठीक है। एक मिनट, कोई आया है, एडमिट करने दो उसको पहले। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यही वैल्यू आपका किसका है, f ऑफ x मॉड का ग्राफ हो गया ये। फाइनली फाइनली अब हम लोग को क्या मिल चुका है, अब हम लोग को ये मिल चुका है, क्या मिल चुका है, ये f x मॉड अगर लिखा है तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन का ग्राफ हो गया ये। लेकिन तुम चेक करो जो एक्स स्क्वायर माइनस वन ये आया है, ये पूरा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, माइनस टू से लेके प्लस टू के बीच में आ गया ये पूरा, है ना, ये इसका इंटरवल हो गया माइनस टू से लेके प्लस टू के बीच में, और यहाँ पे आप क्लोज कर दो क्योंकि माइनस टू और प्लस टू पे क्लोज किया हुआ है। ये एफ एक्स का मॉडुलस है और ये एफ एक्स का मॉड है सिर्फ, है ना। अब आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, आपसे बोला है कि दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करना मतलब इन दोनों को ऐड करो, तो जब हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे फाइनली तो कुछ ऐसा लिखेंगे, देखो एफ एक्स ये मॉड हो गया और ये हो गया एफ, और ये हो जाएगा एक्स मॉडुलस इस तरीके से। और अब आप इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो ये मॉड एफ एक्स का वैल्यू वन है और ऑफ एक्स एक्स का मॉड का वैल्यू ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। लिमिट क्या है इसका, माइनस टू से लेके जीरो तक, तो ये वही रहेगा माइनस टू से लेके जीरो तक, ठीक है। ये हो गया ऐसे, उसके बाद फिर इसको ऐड करो, है ना, ये तो ये वाला वैल्यू अब इसके साथ ऐड करेंगे आप, तो इसके साथ ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन का एडिशन हो रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, है ना। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये ब्रेक करके यहाँ पे लिख दिए थे, तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस वन प्लस वन भी कैंसिल हो गया, तो जीरो आ गया वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके वन के केस में, ये हो गया। अब थर्ड नंबर आप फिर से इसको ऐड करेंगे इस वाले के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिला, ये मिला आपको वन से लेके टू तक, ये हो गया। इस टू पे क्लोज है और जीरो इस पे भी क्लोज है, हो गया ये हो गया आपका एफ एक्स का मॉडुलस प्लस एफ ऑफ एक्स का मॉड। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, आपसे पूछा है माइनस टू से लेके टू में फंक्शन जो है कहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्या पूछा, हाँ यही पूछा होगा। तो अब क्या करो ना, ये जो फंक्शन मिला इसको एक काम कर लो, इसको ना जी एक्स मान लो, है ना। हम देखो तरीका बता रहे हैं, शॉर्टकट वेटकट कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल तरीका समझो ताकि आप कुछ सीख सके। अब ये जो जी एक्स फंक्शन मिला है ना, इसको हम लोग जी एक्स बोल रहे हैं। अब आपको ना डिफरेंसिबिलिटी चेक करना है, तो सबसे पहले ध्यान रखना एक बात कि डिफरेंसिबिलिटी चेक करने से पहले आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पर आप मेंशन कर दो कि फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप जीरो पे चेक करिए, अगर जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, है ना। हम यहीं पर निकाल देते हैं, जीरो रखेंगे अगर, एक सेकेंड देखो, जो बना लिया है उसके लिए थोड़ा सा बोरिंग होगा, बट जो नहीं बनाया आर्टिस्ट उसको सीखने का मौका दीजिए आप, है ना। देखो जीरो एफ जी ऑफ जीरो माइनस, जी ऑफ जीरो माइनस मतलब हो गया एलएचएल देख रहे हैं, तो एलएचएल में वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। और जी ऑफ जीरो प्लस, जीरो प्लस पे वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब कि जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो आप जीरो पे डिफरेंसिबिलिटी चेक करिए। और डिफरेंसिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, जो जी एक्स मिला है ना इसी का आप जी डैश एक्स भी लिख लो यहीं पे बगल में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंसिएशन टू एक्स हो जाएगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फोर एक्स, हो गया। अब डिफरेंसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, नाउ जी जी डैश जीरो माइनस मतलब एलएसडी, एलएसडी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जी डैश जीरो प्लस आरएसडी, आरएसडी भी कितना है, जीरो है। मतलब जीरो पे फंक्शन क्या मिल गया, कॉन्टिन्यूअस मिल गया, सॉरी डिफरेंस, यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस हो गया था और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिफरेंसिएबल मिल गया, ठीक है, यहाँ हो गया डिफरेंसिएबल। तो जीरो पे फंक्शन डिफरेंसिएबल आ गया। अब आपको एक और पॉइंट पे चेक करना है, वन पे चेक कर लीजिए। तो पहले वन पे चेक करो कि वन पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो जी ऑफ वन माइनस, तो वन माइनस का मतलब वही एलएचएल हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, जीरो दिया हुआ यहाँ पे। और जी ऑफ वन प्लस, वन प्लस पे देखो आरएचएल का वैल्यू कितना, अगर वन पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा, मतलब वन पे भी कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब आप वन पे डिफरेंसिटी चेक करो, तो वन पे देखो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहे हैं जी डैश वन माइनस एलएसडी, एलएसडी का वैल्यू कितना है, जीरो है। जी डैश वन प्लस मतलब वन से आगे, तो यहाँ पे देखो कितना होगा, ये भी जीरो आ गया, मतलब कि आपका वन आ रहा है ना, वन, तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंसिएबल। तो जीरो और वन पे, जीरो और वन पे क्या मिला, कॉन्टिन्यूअस भी मिला और डिफरेंसिबल मिला, है ना। अब देखो यहाँ पे कोई दो पॉइंट दे रहा है क्या, नॉट डिफरेंसिबल एट वन पॉइंट, अच्छा कोई ऐसा पॉइंट मिला है, ऐसा तो नहीं मिला, एक सेकेंड। जी डैश वन पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है। वन पे नहीं आ रहा है, वन पे चेक किया तो अपन, अगर देखो अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा इस पे रखना था ना, इस पे रखना था, जी डैश यहाँ है ना हम लोग का, इस पर रख दिया,
तो जी डैश वन पे वैल्यू मिला आपको यहाँ पे, ये है जीरो है ना, और जी डैश अगर वन प्लस निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 4 × 1 4 आ जाएगा ये, है ना, ये इस पे रखना था वहां रखा गया, ये हो गया 4। तो देखो ये LSD और RSD बराबर नहीं आया, मतलब कि इस पे फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है। तो वन पे डिफरेंसिबल नहीं है और जीरो पे डिफरेंसिबल है, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा मिला है ना। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या दे देंगे, और डिफरेंसिबल नॉट डिफरेंसिबल एट वन पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, एक पॉइंट पे। सर हाँ बोलो बोलो सर अब बोलो। जैसे एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स जो हाँ फंक्शन आप डिफाइन करें वो कैसे करें वो बता सकते फिर से? मॉड और बता तो सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला, दो बताए हैं, एक तुम्हारा एफ एक्स का होल मॉड लिखा हुआ है, ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स वाला। देखो मॉड हाँ ऑफ एक्स वाले में, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, स्मृति। अच्छा स्मृति है। देखो एफ ऑफ एक्स ये जो मॉड है ना, इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ बनाया है, ठीक है। एफ एक्स का जो ग्राफ है ये हम प्लॉट कर लिए -2 से लेके 0 तक। -2 से 0 में देखो ग्राफ किसका बनाना था, -1 का, तो -1 यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दिए। फिर 0 से 2 में ग्राफ किसका बनाना है, x²-1 का, और x²- क्या है, पॉलिनोमियल है। पहले x² का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते हैं, तो नीचे शिफ्ट किए तो यहाँ पे आके मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ग्राफ बनाना कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेके 2 के इंटरवल बनाना था, तो हम 0 से 2 तक में ये लाइन खींचे, ये हो गया हमारा एफ एक्स का ग्राफ। लेकिन जैसे ही इसमें मॉड लग जाएगा, तो मॉड लगने के बाद होगा क्या कि जो निगेटिव वाला वैल्यू है, मतलब एक्स इधर निगेटिव, इसका ये पूरा डिलीट कर देंगे ग्राफ को, और जो इधर बना हुआ था राइट साइड में, इसका मिरर इमेज बना देंगे इधर लेफ्ट साइड में इसके अबाउट, ठीक है। क्योंकि x का मॉड लग गया, मतलब ये होता है कि जो वैल्यू x के पॉजिटिव में मिल रहा है वही वैल्यू x के नेगेटिव में भी मिलने वाला है, इसलिए सिमेट्रिकल ग्राफ बन जाएगा। इधर चलो और यही सेम चीज इधर कॉपी कर दो। अब ये ग्राफ जो दिख रहा है, ये ग्राफ एग्जैक्टली y इज इक्वल टू x²-1 का ग्राफ बना है, मतलब यही तो हमारा f ऑफ मॉड x है। और ये कहां से कहां तक हो गया, -2 से लेके पूरा 2 तक हो गया। अब इसी को हम लोग अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके दिखे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना, दोनों को ऐड करना था, तो ऐड करेंगे दोनों को, तो 1 + x²-1 एक बार हो गया, फिर -x²+1 और फिर +x²-1 ये 2 बार हो गया, फिर ये और ये ऐड करेंगे, तो फाइनली ऐड करके ये बनेगा वैल्यू हम लोग पास, नहीं ये वाला बना है ना यहाँ पे, ये वैल्यू कुछ समझी, यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना, कोई हाँ बात सर नहीं। वही ग्राफ में दिक्कत था। अच्छा बाकी लोग का हो गया जी, समझ में आ गया, थोड़ा जगह की वजह से ना इधर उधर लिखना पड़ जाता है, तो एक्चुअली हमको भी पसंद नहीं है कि जहां तहां लिख दे और बच्चों को कंफ्यूज कर दे, बट थोड़ा सा जगह इसमें मैनेज नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया, फाइनली आंसर हो गया आपका, नॉट डिफरेंसिबल एट वन पॉइंट, है ना। आज बहुत भारी भारी सवाल नहीं लाए, नॉर्मल सवाल है आज, है ना। आप लोग भी आज ट्राई करेंगे तो बनेगा आप लोग से भी आज क्वेश्चन, लीजिए ये क्वेश्चन एक ईजी वाला आ गया ना, ये भी होमवर्क में था, लेकिन बनाओ आप लोग अभी, देखो कितना आ रहा है। अब ज्यादा भारी भारी सवाल बनाने का कोई जरूरत नहीं है ना, एग्जाम सामने है, भारी सवाल बनाएंगे नहीं बनेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, लगेगा कि अब मेरा तो तैयारी नहीं हुआ। अब आराम से बनाइए, बस अब थोड़ा सा मोमेंटम लाइए आप लोग। 1 घंटा का स्लॉट बुक रखो कि भाई 1 घंटा में मेरे को 10-15 सवाल बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस करना है, विथ कॉन्सेप्ट के साथ अपना सीखते जाएंगे। सुनो ये क्वेश्चन आसान है ना, सी है कैसे? सी आ रहा ना, सी आ सकता है, क्या
क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांश। यस सर। देखो डिफरेंशिएबल बोला है ना, तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे किसी का नाम नहीं सो हो रहा है ना, इसलिए पूछना पड़ रहा है, तो बुरा मत मानना। सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है हमको, बस कौन बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, जूम में दिखता है, इसमें नहीं दिखता। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो पहले कंटिन्यूटी का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, एलएचएल निकालो। तो एफ ऑफ वन माइनस है ना, एफ ऑफ वन माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन, और एफ ऑफ वन प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एफ ऑफ वन प्लस में ये रखेंगे आप, तो ये आ जाएगा ए प्लस और कॉस इनवर्स एंड दिस इज वन प्लस बी, है ना। और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या करेंगे, माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस कॉस इनवर्स वन प्लस बी, ये दोनों को आप इक्वल करेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कॉस इनवर्स वन प्लस बी का वैल्यू है, वन प्लस बी का जो वैल्यू है वो आपका ए प्लस वन के इक्वल आ गया, है ना। अब ये हो सकता है आगे चल के हम लोग इसका यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अगर कोई भी ए और बी निकल जाएगा ना, तो लाके पुट करके निकाल लेंगे वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अगला चीज, अगला है आपसे बोला है कि डिफरेंशियबल भी है वन पे, तो डिफरेंशियबल है तो आप एफ ऑफ, पहले तो आप एफ डैश एक्स निकाल लो इसका, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग एफ डैश एक्स लिखेंगे, तो एफ डैश एक्स यहीं पे लिख देते हैं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, और ये वो ए का हो गया जीरो, कॉस इनवर्स का होता है वन बाई वन माइनस, और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका बन जाएगा ये रूट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, है ना, फॉर्मूला के हिसाब से। ये हो गया एफ डैश एक्स का वैल्यू। अब आपसे यहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो आप क्या करेंगे, एफ डैश, है ना, एफ डैश वन माइनस, तो वन माइनस का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ पे, माइनस वन दिख रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू एफ डैश वन प्लस, जिसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे वन पुट कर दो, तो माइनस वन बाई रूट अंडर वन माइनस, ये बन जाएगा वन प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है तो एल एच डी आर एच डी बराबर हो जाएगा, तो माइनस वन इज इक्वल टू हो गया माइनस वन बाई वन, वन माइनस वन प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज रूट। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वन माइनस वन प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बचेगा, है ना, स्क्वायरिंग कर दिए हम। तो यहाँ से देखो, यहाँ से वन और वन कैंसिल हो गया, तो बी प्लस वन का जो वैल्यू है वो जीरो आ गया, तो बी इज इक्वल टू आ गया माइनस वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है प्रियांश? हाँ सर यार। अब यहाँ पे बी का वैल्यू माइनस वन बैठा दो, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स जीरो विच इज इक्वल टू ए प्लस वन, कॉस इनवर्स जीरो होता है पाई बाई टू, एंड दिस इज ए प्लस वन, सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस वन। अच्छा कॉस इनवर्स जीरो पाई बाई टू, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका ए का वैल्यू। पूछा क्या है इसमें, ए बाई बी पूछा है आपसे, तो ए बाई बी का बहुत गलत लिखा, माइनस कॉस इनवर्स वन प्लस बी होना चाहिए माइनस वन माइनस, बी का वैल्यू माइनस वन आ रहा ना, तो वन माइनस वन जीरो तो है, नहीं सर कॉस इनवर्स वन प्लस बी जो लिखे हैं ब्रैक इसमें बॉक्स में। अच्छा कॉस माइनस वन माइनस ए हो जाएगा ना, हाँ यहाँ पे गलत हो गया, एक माइनस कॉमन में, हाँ कॉस इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन माइनस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू दिस इज माइनस वन माइनस ए, और वन माइनस वन हो गया जीरो, ये माइनस वन माइनस ए, तो पाई बाई टू इज इक्वल टू हो गया माइनस वन माइनस ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस वन, यहाँ पे सही करो, ये ए हो जाएगा माइनस वन माइनस पाई बाई टू, ठीक है। अब आपसे पूछा है ए बाई बी, तो ए बाई बी का वैल्यू पूछा है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस पाई बाई टू, और बी का वैल्यू आया था आपका माइनस वन, ऊपर से माइनस कॉमन निकालो तो टू प्लस बाई बन जाएगा और नीचे टू आ जाएगा, मतलब आंसर क्या हो गया, पाई प्लस टू बाई टू, ये आंसर आ जाएगा पाई प्लस टू बाई टू, ऑप्शन सी। बाकी लोगों को समझ आया, बताना यार नहीं समझ में आएगा तो, ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब तो बन जाना चाहिए, बनना क्या मतलब समझ आ जाना चाहिए। हो गया, चले आगे बढ़े, बताना स्मृति, चले आगे, धीरे धीरे नाम याद हो रहा है ना, ये मुस्कान तो आज नहीं आई है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दूसरा आई है, अच्छा ठीक,
बनाओ। आज 3 बच्चा कम आया है इसलिए हम कह रहे थे, हमको लगा तुम भी नहीं आई होगी उसमें। ये भी आसान क्वेश्चन है ना, नहीं ट्राई करिए बन जाएगा। सी है क्या सर? सी आ रहा है, हाँ सी सही होगा। देखो सारा क्वेश्चंस हार्ड नहीं होता है ना जेई में, तो ये सोच के मत जाना एग्जाम है ना, बहुत लोग इसी डर से जाता है कि यार सारा क्वेश्चन हार्ड आएगा, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। सारा हार्ड नहीं आता है और आपको सारा बनाना भी नहीं है एग्जाम में, क्वेश्चन सब बनाने के चक्कर में रहेगा कुछ नहीं बनेगा, है ना। जितना मार्क्स लाना है सफिशियंट मार्क्स उतना लाइए एडवांस देने के लिए, और नहीं तो फिर एटलीस्ट इतना कि अच्छा एनआईटी मिल जाए ना, पूरा फुल मार्क्स लाने के चक्कर में पूरा मार्क्स खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। हार्ड आएगा हार्ड आएगा, इस डर से जाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा। देखो यहीं पे ना जीडेक्स पहले फाइंड कर ले रहे, क्योंकि काम तो पड़ेगा ही है ना चाहे जैसा भी सवाल हो। तो जीडेक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, के बाई 2√x+1, वही इंटरवल है एक्स 3 से छोटा और 0 से बड़ा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिर्फ एम बचेगा, ये कब, एक्स का वैल्यू 5 से छोटा है और 3 से बड़ा है, ठीक है यहाँ तक तो काम कर लेंगे इसका हम लोग। अब आपसे क्या पूछा है, और डिफरेंशियबल वाले फंक्शन के प्लस एम का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो 3 LHL पे है ना, LHL फाइंड करेंगे तो आएगा के रूट अंडर 3+1 4, मतलब हो गया आपका 2k, ठीक है। और एफ ऑफ 3+ अगर निकालेंगे तो इस पे वैल्यू हो जाएगा आपका 3m+2, और आप दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2k = आ गया 3m+2, है ना। इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर लेंगे, यहाँ पे अगर कोई भी एक वैल्यू मिल जाएगा तो काम हो जाएगा अपना। अब आ जाओ डिफरेंसिबिलिटी पे, तो डिफरेंसिबिलिटी के लिए आपको, डिफरेंसिबिलिटी के लिए आपको LHD RHD निकला होगा। तो एफ डैश, अच्छा एफ नहीं है जी है ना सवाल में, तो यार बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, यहाँ पे जी है, ये जी जी यहाँ आ गया, तो जी डैश, और जी डैश पे 3 माइनस पे निकालेंगे LHD, तो यहाँ हो जाएगा k/2√4, मतलब आ गया आपका k/4। जी डैश 3+ अगर निकालेंगे तो ये आएगा एम ही आ जाएगा, तो इस हिसाब से k/4 = कितना आ गया एम, तो k = कितना आ गया 4m आ गया। इस k का वैल्यू यहाँ बैठा दो लाके, है ना, यहाँ पे k बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 to 8m, 8m = 3m+2, तो यहाँ से आपका m = आ जाएगा 2/5, एम यहाँ बैठाओ तो k निकलेगा, k = हो जाएगा 8/5, ठीक है। अब आपसे तो पूछा है k+m का वैल्यू, तो k का वैल्यू कितना निकला 2/5, m का वैल्यू कितना निकला 8/5, तो ये हो जाएगा 10/5, तो ये आ जाएगा 2, है ना, दिस इज k+m, है ना, आसान था ना ये। चलो नेक्स्ट बनाओ, ये बनाओ है ना, ये अच्छा है ना, इसमें हम ये टेस्ट कर लेंगे आप लोगों का कि वो ग्राफ सीखे कि नहीं इसका। ए है क्या सर? ये नहीं होगा, तुम बनाया सही है लेकिन आंसर गलत दे रहा है।
बी है। बी भी नहीं होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बाकी एक्सप्लेन थोड़ी कर पा रहा है वो, बस जो बताया बता दिया, वैल्यू बता दिया, वो सही बता रहा है, वन भी सही है टू भी सही है ना अपने जगह पे, लेकिन कोई इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं है। एफ डैश फोर का वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्लोप जीरो है, तो उसको रीजन कुछ और देना चाहिए था, रीजन नहीं दिया है सही, बाकी सब कुछ सही है। देखो पहले तो इसका ग्राफ बनाने आना चाहिए। अच्छा बताओ सही सही, ग्राफ इसका बना, आप लोग ग्राफ से बनाया ना? नहीं सर, 4 2 से 5 के बीच में देख लो क्या है फंक्शन। अच्छा ठीक है, हम इसका ग्राफ सिखा देते हैं यार, ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड शेप वाला, है ना? देखो देखो क्या होता है ना, यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? देखो करना ये है ना कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, क्वेश्चन क्या है अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू मॉडुलस एंड दिस इज एक्स माइनस फाइव एंड मॉडुलस, आप यहाँ पे अगर टू पुट करेंगे ना एक्स का वैल्यू, तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, टू माइनस फाइव थ्री होगा, माइनस थ्री का मॉड करेंगे तो थ्री आएगा, मतलब अगर एक्स का वैल्यू टू पुट करा जाए ना तो आपको ना आउटपुट में वैल्यू कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा, मान लो ये थ्री है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ये देखो, इस पे हम लोग इसको जीरो करने के लिए एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर लिया ना, आप इसको जीरो करने के लिए एक्स इज इक्वल टू फाइव पुट करो, तो फाइव पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन फाइव माइनस टू का वैल्यू कितना हो गया, थ्री, मतलब एफ एक्स का वैल्यू जो है फाइव पे कितना आएगा, थ्री आएगा, मतलब अगर आप फाइव भी पुट करते हैं ना तो भी वैल्यू आपको वही मिलेगा ना, थ्री ही मिलेगा, तो यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो आपको सेम मिलेगा, है ना ये। अब इसके बाद ना फाइव के आगे अगर आप चलेंगे तो ग्राफ को ओपन करेंगे तो वैल्यू जो है इसका इस तरीके से जाएगा, है ना? देखो यहां से ये ऐसे बनता है बोर्ड शेप का ग्राफ, और यहां से ये ऐसे बनेगा इस तरीके से, ठीक है? बताओ ये तो आता होगा सब लोगों को ना, पक्का आता होगा, है ना? देखो इस तरीके से आपको बोर्ड शेप का ग्राफ बनाना है कि टू और फाइव जहां पे कांस्टेंट रहता है यहां तक खींचना है उसको, इसको आगे इधर खींच दीजिए, इसको ऐसे खींच दीजिए। ये कैसे बना, इसको खोलने के लिए फिर आपको पूरा ये फाइव से बड़ा वैल्यू ले करके इसको ओपन करना पड़ेगा, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, फाइव से बड़ा अगर वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, है ना, अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, तो ये मिलेगा सिर्फ एक्स माइनस टू मॉड हट जाएगा, और फाइव से बड़ा लेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो एक्स माइनस फाइव हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया, टू एक्स माइनस सेवन, मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है ना ये टू एक्स माइनस सेवन का ग्राफ बना हुआ है, लाइन बना हुआ है। वैसे ही अगर आप टू से इधर चलेंगे तो टू से इधर मतलब ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो उस केस में माइनस एक्स प्लस टू, और फिर यहाँ से ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस फाइव, तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स प्लस सेवन का ग्राफ, मतलब ये जो लाइन है ना ये आपका, ये जो लाइन है ये बनेगा आपका माइनस टू एक्स प्लस सेवन का लाइन बन गया ये, है ना, इस तरीके से। और अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो आपको पता ही है कि ये वाई इज इक्वल टू थ्री का लाइन है ये, है ना? अब आपसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में बोला है एफ डैश फोर का जो वैल्यू है ना वो जीरो है। एफ डैश फोर का मतलब हो गया कि फोर तो कहीं इधर ही आएगा, है ना, यहाँ पे कहीं फोर आएगा, टू थ्री फोर, तो मान लो यहाँ पे फोर आया, इस पे स्लोप कितना आ रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो फोर पे जो स्लोप आ रहा है वो जीरो आ रहा है क्योंकि वो एक्स के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ डैश फोर का वैल्यू है ऐसे केस में ये जीरो आएगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद पहला तो सही हो गया, है ना, देखो स्लोप जीरो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्स के पैरेलल है, ध्यान रखना पूरा टू से लेके फाइव के बीच में ना, टू से लेके फाइव के बीच में पूरा स्लोप यहाँ पे जीरो है ना, क्योंकि एक्स के पैरेलल है। दूसरा क्या है, बोला एफ कॉन्टिन्यूअस है टू से फाइव में, देखो टू से लेके फाइव में जो फंक्शन है ना ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे कोई ग्राफ फूटा ही नहीं है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक तो सही है। फिर क्या बोला है, एफ ऑफ टू और एफ ऑफ फाइव का वैल्यू बराबर है, देखो एफ ऑफ टू का जो वैल्यू है वो थ्री है और एफ ऑफ फाइव का जो वैल्यू वो भी थ्री है, तो एफ ऑफ टू एफ ऑफ फाइव भी बराबर है, ये भी सही है, तो वन भी सही है टू भी सही है, तो वन और टू जहाँ सही है वो सही तो हो जाएगा, वन इज ट्रू स्टेटमेंट, टू टू इज ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन जो टू है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये स्टेटमेंट वन का, मतलब ये स्टेटमेंट वन जो है उसका आंसर जीरो होने का, ये सही होने का कारण क्या है, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो आंसर जो है ना ये सी होगा, दोनों अपने जगह पे सही है बट रीजन ये नहीं होगा, है ना। चलो ग्राफ समझ में आया, वो ग्राफ पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, लेकिन तरीका याद रखना, और मतलब ये जनरली ना ये वाला चीज फेमस है, मतलब अगर आपको जनरली ऐसा ग्राफ मिलेगा कि दो को दिया हुआ है इस तरीके से और आप इसका बोर्ड से ग्राफ बना के कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, है तो वैसे होता है। स्मृति समझ आया? यस सर। चलो ये बनाओ,
देखो इसमें जब आप जीरो पुट करेंगे ना, डी है क्या? सर हाँ डी सही है, अगर आप इसमें जीरो पुट करेंगे ना तो ये देखो यहाँ पे 3 प्लस 0 मतलब 3 3 कट जाएगा, ये यहाँ पे जीरो पुट करेंगे 2 माइनस 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1, और 1 की पावर 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला केस है। ठीक है, तो अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस है तो आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला है डिफरेंशिएबल है, ठीक है डिफरेंशिएबल है, तो आप एक काम करो लिमिट इसको पहले सॉल्व करो, है ना, इसका लिमिट सॉल्व करो पहले, लिमिटिंग वैल्यू जो है 1 प्लस, बताया था तरीका इसका याद है, कि अगर ऐसा कभी भी रहे कि एफ एक्स और पावर में अगर कुछ भी लिखा है ऐसे जी एक्स, तो रूल क्या होता है, इसमें एफ एक्स में 1 घटाओ, एफ एक्स में 1 घटाओ और फिर जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और जो भी आंसर आएगा ई टू द पावर लिमिट चलेगा, वही काम यहाँ पे आपको करना है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखो क्या लिखेंगे, 1 प्लस f(, यहाँ पे लिखा है 3 प्लस x माइनस f(3), ठीक है, और यहीं पे ये हो जाएगा 1 प्लस f(2 माइनस x माइनस f(2), और ये -1 हो जाएगा, और जो भी मिलेगा वो 1/x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, लिमिट x→0 1 प्लस f(3 प्लस x माइनस f(3), और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस f(2 माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस प्लस f(2), ठीक है, और नीचे का जो वैल्यू है ये है आपका 1 प्लस f(2 माइनस x और प्लस f(2), ये वैल्यू मिलेगा आपको, और इनटू यहाँ पे आ रहा है आपका 1/x। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, 1 कटेगा सिर्फ, है ना, 1 काट दो, तो 1 कटने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा आपको f(3 प्लस x बोला है, यहाँ पे f(2 माइनस x है, और ये f(3 है f(2 है, और यहाँ पे ये वैल्यू मिला, ठीक है। अब एक काम कर लो, है ना, दिस इज लिमिट x→0, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक साइन गलत हुआ है क्या, यहाँ पे गलत हुआ है ना, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, दिस इज माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से f(3 प्लस x है ना माइनस f(2 माइनस x माइनस f(3 और प्लस f(2 प्लस f(2) और नीचे ना नीचे लेके आ जाओ x को, ये x यहाँ आ जाएगा, इसको इधर कर लो और इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1 प्लस f(2 माइनस x माइनस f(2), है ना, इसको थोड़ा साइड कर लिए, या फिर साइड करने का जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पे 0 पुट करिए सीधा, अगर आप 0 पुट करेंगे तो f(2 माइनस f(2) खत्म ही हो गया ये, तो ना 0 हम लोग यहाँ पे लिमिट में पुट भी कर दे रहे हैं और इसको हटा भी दे रहे हैं, तो बचेगा सिर्फ 1, मतलब इसका कोई काम नहीं है ना, ये 1 बच के तो अकेले चला गया, 1 तो साइड में हट गया, तो 1 हटा दीजिए यहाँ पे सिंपल। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको अब लगाना है एल हॉस्पिटल, क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में है ना, सो नाउ दिस इज लिमिट x→0 है ना, 0/0 के फॉर्म में क्यों बोल रहे हैं, तुम चेक करो, अगर 0 पुट करेंगे f(3) तो f(3 f(3) कट गया, अगर 0 पुट करेंगे f(2 f(2) कट गया, तो 0 नीचे 0, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो एफ डैश ये बनेगा 3 प्लस x माइनस एफ डैश ये हो जाएगा 2 माइनस x, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है वो, और नीचे अपने पास जो मिलेगा ये 1 मिलेगा, ये आया। अच्छा हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे इसमें आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो भी आ रहा है वैल्यू ये ई टू दी पावर सॉल्व होगा ना, सब कुछ ई टू दी पावर चल रहा है, ये सब कुछ ई टू दी पावर चल रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, ई टू दी पावर चलेगा, और अगर आप देखेंगे तो ये ई टू दी पावर लिमिट, और आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो एफ डैश, दिस इज 3 प्लस 0 मतलब 3 हो गया, माइनस एफ डैश यहाँ हो जाएगा 2, है ना, अब f(3 माइनस f(2) का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है आई थिंक, है ना, यहाँ पे प्लस है तो हाँ यहाँ पे प्लस भी आ जाएगा ना, देखो ये 2 माइनस x को डिफरेंशिएट किए थे f(, और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो -x का डिफरेंशिएशन प्लस भी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि -1 बाहर निकलेगा, अब यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये प्लस हो गया, और f(3 प्लस f(2) का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0, तो e^0 का मतलब हो गया आपका वैल्यू आंसर में 1, तो ये हो गया फाइनल आंसर, है ना, आया समझ में मुस्कान? ओके।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ इसको देखो, सबसे पहले यहाँ पे जी एक्स का जो वैल्यू दिया है ना, ये कह रहा है कि ये वैल्यू है आपका एफ ऑफ एफ एक्स, है ना। तो सबसे पहले जो एफ एक्स लिखा है ना, इसको लिख लो आप, ये है 15 माइनस ये मॉडुलस, और एक्स माइनस 10 लिखा हुआ है, तो -10 भी ठीक है, लेकिन ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जहाँ एक्स होता था, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ना एफ के अंदर एफ एक्स लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे एक्स की जगह पे आप एफ एक्स लिख दो, है ना। यहाँ पे एफ की जगह पे आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, है ना। बाकी क्वेश्चन वही है, ये 15 है माइनस मॉडुलस, अगर यहाँ पे एक्स होता तो आप यहाँ एक्स लिखते, यहाँ पे क्योंकि एफ एक्स लिखा हुआ है अंदर में, तो यहाँ पे आप एफ एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो, कंपोजिट हो रहा है फंक्शन का, तो एफ एक्स का अगर वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा रखेंगे ना, ये पूरा वैल्यू एफ एक्स का, तो पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा। अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा 15 माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 10, है ना, ये वैल्यू हो गया इसका, और इसके बाद माइनस यहाँ पे 10 एक एक्स्ट्रा में बैठा हुआ है ना, ये हो गया। इस हिसाब से बताओ वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, जी एक्स का वैल्यू जिसको हम लोग एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं, ये आएगा 15 माइनस, और ये हो गया 15 माइनस 10 5, 5 माइनस दिस इज मॉड एक्स माइनस 10, है ना, ये आया वैल्यू, और ये फाइनल मॉड, दूसरा मॉड है ये, है ना। दो का मॉड आएगा ना, इसका भी मॉड आएगा, इसका भी मॉड आएगा, तो ये लिख लिया हम लोग, है ना, दोनों का मॉडुलस का जो साइन है अलग कलर से दे देते हैं, ये हो गया ऐसा, ठीक है, ये आ गया। अब आप समझिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आपको बताना है पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंसिबल, कहाँ कहाँ पे पॉइंट फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है, कौन सा फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स मतलब जी एक्स, है ना, ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंसिबल नहीं होगा, तो हम लोग ये तो निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट कौन कौन सा डिफरेंसिबल नहीं है। तो देखो मॉड एक्स कहाँ पे डिफरेंसिबल नहीं होता है, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनता है, जैसे मान लो कि कहीं पे एक्स माइनस टू का मॉड लिखा हुआ, तो आपको पता है ना ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे एक्स इज इक्वल टू टू, तो इस पॉइंट पे ये डिफरेंसिबल नहीं होता है। तो मॉड एक्स को तकलीफ यही है कि जहाँ पे वो जीरो हो जाता है ना, वहाँ पे वो डिफरेंसिबल नहीं हो पाता है। तो आप चेक करो कि ये फंक्शन कहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे डिफरेंसिबल नहीं होगा, है ना, ये जहाँ पे ये अंदर में दिख रहा है एक्स माइनस टेन, एक्स माइनस टेन ये वाला वैल्यू है ना इसमें, क्योंकि मॉडुलस के अंदर बैठा हुआ है, तो ये जहाँ भी जीरो होगा, मतलब एक्स इज डी कितना आ रहा आ रहा है, डी है, हाँ डी सही आ है, रहा है सर। डी डी सही आंसर है, डी सही होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू टेन एक पहला पॉइंट मिला जहाँ पे फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है।
अगला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, देखो देखिए अगला पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, और इस पूरे को है ना, ये भी पूरे मॉड के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको भी जीरो करो, और इसको जीरो करेंगे तो ये मिलेगा 5 माइनस, और ये x-10 मॉड्यूलस, और ये वैल्यू जहां भी जीरो हो रहा है, मतलब ये हुआ कि 5 इज इक्वल टू x-10 मॉड्यूलस, है ना, इसको इसको इधर भेज दिए, तो x-10 का जो वैल्यू है ये दोनों मिलेगा, प्लस और -5। इस हिसाब से x का वैल्यू एक बार अगर 5 लेंगे तो 15 आएगा, और एक बार x का वैल्यू -5 लेंगे तो -5 + 10 दैट इज 5 आएगा। तो ये x का 3 पॉइंट मिल गया, पहला 5 मिला, फिर यहाँ पे 10 मिला, और फिर एक 15 मिला। ये 3 पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फंक्शन जो है ना ये मॉड्यूलस वाला डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, 5, 10, 15 हो गया। समझ आया, बना ली थी क्या स्मृति, तुम लोग बनाई थी स्मृति मुस्कान, बना था, यस सर, बन गया था। चलो यस सही, सर। ठीक है फिर बनाइए इसको, बनाइए अब। अच्छा सवाल है ये, है ना, है तो ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन यार क्वेश्चन ही ग्राफ समझ नहीं है। से बनाए क्या ग्राफ से बनाई थी, तब तो और अच्छी बात है फिर, तब तो ग्राफ में बहुत तेज है तुम। स्मृति इसका ग्राफ, इसका ग्राफ खींचो, तो इसका ग्राफ बन जाएगा एफएक्स का, बताइए। हाँ सर। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है x2 - x-3 मॉडुलस, है ना, तो इसका ग्राफ ना एक एक करके बनाते। देखो x-3 का पहले ग्राफ प्लॉट करो, x-3 का पहले अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा, x-3 मतलब हो गया 3 पे 0 बनेगा, तो ठीक है 3 पे 0 बना लेंगे, एक मिनट, ये रहा, ये हो गया ऐसा, और फिर ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे मॉडुलस हो गया, ये मॉड का ग्राफ है, ये एक्स इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू है, ठीक है। फिर देखो इसके पहले ना माइनस के, इसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, x-3 के पहले माइनस का साइन लगा हुआ, तो इस ग्राफ को ना मोड़ दो नीचे की तरफ, तो ये ना नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, जाओ हाँ ये ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ उसके पहले। फिर देखो इसमें क्या है, ये एफ एक्स का जो वैल्यू है तुम चेक करो क्या लिखा है, 2 - x-3 मॉडुलस, और उसके बाद जो भी आएगा उसका फिर से मॉड करना था। अब ये तो हम लोग इस इतना दूर का ग्राफ बना लिए, अब इसमें देखो 2 एडेड है, तो 2 एडेड है तो ग्राफ को क्या करना है, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करो इसको, तो जब 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा ऊपर की तरफ, 2 यूनिट है ना, यहाँ पे आया ना, ये 3 पे है ध्यान रखना, और ये जो वैल्यू आपको हाइट दिख रहा है ये 2 पे है, 2 यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर गया। अब देखो ये जो भी ग्राफ आया है ना इस पे पूरे पे मॉड लग गया, अब तुम सोचो अगर पूरे पे मॉड लग गया तो इसका मतलब कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो फिर जो नेगेटिव का ग्राफ ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आप इसको हटाएंगे, और हटा के क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, है ना, सिमेट्रिकली, तो ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इधर की तरफ जाएगा,
ना, और इसको फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ ये चला जाएगा ऐसा, ठीक है। अब इसका कोई मतलब नहीं है ये वाले पोर्शन का, तो इसको ना हटाने का ट्राई करते हैं, रुको। एक मिनट, हटा देंगे कैसे भी हटा देंगे, वो हटा दिए, लो हट गया, यहाँ से ये हट गया। अब ये आपका हो गया एक्चुअल ग्राफ, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा क्या है, देखो सबसे पहले ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा ग्राफ का, और ये वाला पॉइंट कि कहाँ पे फंक्शन का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो इसको जीरो कर दो, है ना, जीरो करना है तो इस हिसाब से बताओ, 2 - x - 3 का जो मॉडुलस है ये वैल्यू आ गया जीरो, तो 2 = कितना आ गया, x - 3, तो x - 3 = कितना आ जाएगा, +-2। x = एक बार 5 आएगा और एक बार वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू आपका x = 1 है और ये वैल्यू x = 5 है, और ध्यान रखना ये वाला वैल्यू x = 3 है ना। तो एक्स वैक्स एक्स जो है बार बार जो लिख रहे हैं इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं 1 3 5, ये है 1, ये है 3 और ये रहा 5, हो गया। अब बताओ जरा सा ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिफरेंसिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंसिएबल, क्योंकि सवाल में भी यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि फंक्शन को डिफरेंसिएबल नहीं करना है, बताओ। 1 3 5 f(x) का देखेंगे ना, देखेंगे। अभी तो जो हम लोग बनाया है ये fx का है, अभी fx का ही है, तो fx का जो ग्राफ दिख रहा है इसमें ये दिख रहा है कि 1 3 5 पे फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है, तो 1 3 5 वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है, तो फिर f ऑफ fx भी डिफरेंसिबल नहीं आएगा यहाँ पे। वैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड कुछ और करना है ना। देखो यहाँ पे आप क्या बोला है क्वेश्चन में, समझो क्वेश्चन में ना यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको और ध्यान देना होगा, एस इज द पॉइंट ऑफ, एस इज द पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंसिएबल, है ना, मतलब एस वो सेट है पॉइंट का जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स डिफरेंसिएबल नहीं है, तो यही तो है वो पॉइंट एस, यही सेट हो गया ना, ये एस ये सेट है जिसमें ये 1 3 5 पे फंक्शन डिफरेंसिएबल नहीं है, एफ एक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे यहाँ बोला है एफ ऑफ एफ एक्स का सिग्मा एस एक्स इज इक्वल टू एस पूछा है, मतलब ऐसा देखो आपसे कह रहा है एफ ऑफ, है ना। अच्छा एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे एफ एक्स है ना, यहाँ पे तो एस तो पॉइंट आ गया, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, तो सबसे पहले ना आप एफ ऑफ 1 फाइंड कर लीजिए, फिर एफ ऑफ 3 फाइंड कर लीजिए, फिर एफ ऑफ 5 फाइंड कर लीजिए, है ना। क्यों कह रहे हैं ऐसा, इस पे तुम रख के देखो, चलो एफ ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू एस है और एस का वैल्यू क्या है, 1 3 5 है, तो पहले एफ ऑफ 1 आ जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर एफ ऑफ 3 आ जाएगा, फिर सर प्लस, आंसर 2 है क्या? सर 3 3 आ रहा है, तो 3 तो हमको ये पूछा क्या है, सम सम करना है, आ सकता है, तब देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो। तो ये हो गया सिग्मा, और जो भी है एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू फलाना ढिमका, ये एक्स बिलोंग्स टू एस और कहाँ तक जाए। चलो अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू, तो f(1) मतलब फंक्शन में 1 पुट करो, तो 1 - 3 2, 2 में से 2 गया 0, मतलब ये 0 आ जाएगा। 3 पुट करो, 3 में से 3 गया 0, 2 - 3 2, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। f(5) पुट करेंगे, 5 - 3 2, 2 में से 2 गया 0, मतलब यहाँ पे आ गया 0। अब ये f(1) का वैल्यू कितना है, 0 है, तो आपसे यहाँ पे देखना है कि f(1) का वैल्यू कितना आ रहा है। तो एक सेकेंड, f(1) का वैल्यू आया 0, तो f(0) प्लस f(2) प्लस f(0), है ना। अब f(0) कितना चेक करो, 0 पुट करेंगे तो 0 - 3 1, या सॉरी -3 3 हो गया, 2 - 3 1 हो जाएगा ये, प्लस f(2) पुट करो, 2 - 3 1 1, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, f(0) 0 - 3 3, 2 में से 3 गया 1 हो गया, आंसर इज 3 एग्जैक्टली, बना बन गया था आप लोग का, लेकिन बाकी लोग देख लीजिएगा, है ना, हो गया। समझ आया प्रोसेस, समझ में आ गया, खुद से बना ली थी कि आइडिया लग गया, हिंट लग गया था, बन गया था। वाह इंटेलिजेंट। हो गया प्रियांश, क्लियर है, बना यस सर, लिया था, हाँ सर, चलो इसको बनाओ।
देखिए बनाते हैं ना, फंक्शन दिया हुआ है, इसमें मिनिमम पार्ट लेना है ठीक है, और -2 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 3 तक। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब तो सबको पता हो गया होगा ना, अभी तक ऐसा 2-3 बार आ चुका है कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू 2 से 3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि जो एक्स का वैल्यू है वो आपका -2 से छोटा और -3 से बड़ा होगा। और उसके बाद दूसरा ये होता है कि एक्स का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा और 2 से बड़ा होता है ना, ये इंटरवल इसका होता है। तो ये ना ये लिखा है, मतलब ये लिखा है, ध्यान रखना इसको, हम लोग इसका यूज करेंगे आगे चल के। और अगर नहीं पता है तो फिर आप इसका फाइव अलग है अलग, क्या सर आंसर? 5 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5, 5 सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही हो सकता है। देखो तो यहाँ पे बनाते हैं ये, तो ये समझ में आ गया है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कैसे लिखे हैं, तो आप इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके नंबर लाइन बना के कर लीजिएगा, और अगर वो भी नहीं समझ आया तो बोल देना, बता देंगे। चलो इसका ग्राफ बनाते पहले आप, तो ये हो गया ऐसा। ये सब लोग ग्राफ सीखो है ना, जिसको भी नहीं पता है सीख लीजिए एक बार, है ना, आता है तो अच्छी बात है, रिवाइज भी कर लीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, -2 से 2, तो सबसे पहले अगर बात करें, -2 यहाँ पे है और +2 यहाँ पर है। -2 से लेके +2 में अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा जा रहा है मॉडुलस का, मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का ग्राफ आप इस तरीके से खींच दो। ये हो गया ऐसा, यहां तक जाएगा ये ग्राफ, है ना। अच्छा इसको ना हम लोग डॉटेड लाइन से करते हैं, बाद में फिक्स कर लेंगे अपना। तो यहां से ये हो जाएगा ऐसा, 2 पुट करने पे 2 ही मिलेगा, और ये हो गया आपका इधर से ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला है 2 - x² ग्राफ बनाना है, इसी इंटरवल में है ना, -2 से 2 के बीच में, इसका भी ग्राफ बनाना है आपको 2 - x² का। तो 2 - x² का ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले एक काम करो, पहले x² का ग्राफ प्लॉट कर लो। तो x² का अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो x² का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा ना, इस तरीके से। अरे चलो छोड़ो, बना देते हैं ऐसे। तो ये अगर y = x² का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, है ना। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख लो, है ना, 2 - x² का रूट कहाँ पे, ये भी चेक कर लो, डायरेक्ट बना देते हैं। 2 - x² का वैल्यू 0 है, मतलब x = आपका आएगा +-√2, है ना, डायरेक्ट ही कर लो। तो एक आएगा आपका यहाँ पे कहीं -√2 आएगा, और एक आएगा कहीं पे आपका +√2। और 2 - x² है, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, क्योंकि -x² है। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और -2 पे, है ना, देख लो कि -2 पे वैल्यू कितना आ रहा है। तो -2 पे वैल्यू आएगा आपका, और ये हो गया 4, मतलब -2 आएगा। तो यहाँ से ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा होगा, है ना, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं -√2 का कट करते हुए, फिर यहाँ से ऐसे डॉटेड कर दे रहे हैं आगे, हम लोग को फिर इसका यूज करना पड़ेगा। और ये इस तरीके से आएगा, और यहाँ से फिर ये सॉलिड लाइन बनेगा, और फिर ये यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। देखो +2 पे वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये हो गया आपका -2, और -2 पे भी वैल्यू वही आएगा, है ना, ये आ गया। अब आपसे बोला क्या है, -2 से लेके 2 के बीच में ये वैल्यू बोला है आपका, मिनिमम बोला है, तो मिनिमम पार्ट आपको देखना है। तो जो मिनिमम पार्ट होगा इसका, वो कुछ ये वाला पार्ट हो रहा होगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे, देखो है ना, ये मिनिमम मतलब क्या होता है, जो नीचे होता है, तो नीचे, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन होगा, ये होगा, और ये वाला हो जाएगा। तो इसका जो पार्ट आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको रख दे रहे हैं, ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, ठीक है, ये वाला रेड वाला पोर्शन नहीं है, अब यही वाला पोर्शन है। -2 से, ये 2 से लेके 3 तक में, तो इसमें बताया था ना कि ये होता है -2 से लेके -3, और फिर 2 से लेके 3, यहां से यहां तक। अब इसमें क्या बोला, देखो -2 से -3 के बीच में बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, बताओ -2 से -3 के बीच में अगर देखेंगे, तो अगर आप -2 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे तो उसका मॉड्यूल, देखो हम यहीं पे रख के दिखाते हैं, माइनस मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू लेते हैं -2.5, तो -2.5 लेंगे, उसका मॉड करेंगे तो कितना आएगा 2.5, उसका जीआईएफ करो वैल्यू कितना मिलेगा 2। तो हम कह रहे हैं -2 से -3 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, आपको आउटपुट में वो आपको 2 ही देने वाला है, तो 2 देने वाला है। तो यही वाला हाइट तो 2 था ना, ये वाला हाइट,
ठीक है, हम लोग यहाँ पे हाइट थोड़ा सा गड़बड़ किया है, इसका हाइट और जाता है ना, या फिर इसका हाइट नीचे कर सकते थे, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिलेगा हमको ना। एक मिनट रुको, जुगाड़ लगा रहे हैं इसका ना, ये हाइट इसका थोड़ा नीचे कर दो, इस लेवल पे ले आओ, और यहाँ पे इसको भी थोड़ा नीचे लेके आ जाओ। हो गया, अब देखो यहाँ पे ये मिलेगा आपको है ना, जी आई एफ का वैल्यू वहां पे, यहां से यहां तक ये वैल्यू मिलेगा ऐसा, इतने दूर तक, ठीक है। और तुम चेक करना 2 से 3 में भी सेम मिलेगा है ना, सेम मिलेगा, जो मिलेगा वहां वही मिलेगा यहाँ पे। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, -3 अगर आप पुट करेंगे ना तो उसका मॉडुलस 3 होगा, और 3 का जेएफ कहाँ पहुंच जाएगा, 3 पे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ ये हो जाएगा ओपन। सिमिलरली अगर यहाँ पे आ जाओ 3 पे, तो देखो 2 से 3 में आपको जेएफ 2 मिलेगा, लेकिन 3 पे जाएंगे तो 3 पे ओपन मिलेगा, और इस जगह पे कहीं हाइट इसका बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ, ये वाला लेवल मिलेगा आपको। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंसिएबल नहीं है, तो यहाँ पे अब साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन डिफरेंसिएबल किस किस जगह पे नहीं है, तो इस जगह पे नहीं है ना, कहाँ पे नहीं है, काउंट कर लो है ना, दिख रहा है ये वाले पॉइंट पे, ये हो गया, ये वाला वैल्यू पे देखो यहाँ पे ग्राफ टूट गया है, पहला हो गया फंक्शन ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया है ना सबका, और एक पॉइंट यहाँ 0 पे काउंट कर लो। देखो जहां जहां पे शार्प कॉर्नर पॉइंट बनता है, तो यहाँ तो ग्राफ टूट ही रहा है, यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ है ना, इसके इधर कुछ और वैल्यू दिख रहा है, इसके इधर कुछ और वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बना, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना, यहाँ पे शार्प कॉर्नर बना। एक बात बताओ, -3 और +3 पे फंक्शन डिफरेंसिबल है कि नहीं है, कोई दो इसका एक्सप्लेनेशन बताओ जी। डिफरेंशिएबल है, मतलब एक साइड का क्या? एक साइड का डिफरेंसिबल है, तो नो उसे सर, अगर उसको काउंट कर नो लेंगे सर, तो। डिफरेंस हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? डिफरेंसिएबल नहीं है सर, नहीं है। वो 3 इंक्लूडेड है, देखे नहीं? हाँ नहीं डिफरेंस। हाँ मेन बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेर एफ इज नॉट डिफरेंसिएबल -3 से 3। क्वेश्चन में आपसे बोला है -3 से 3 तो बोला है, लेकिन 3 और -3 इंक्लूड किया ही नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उस हिसाब से आप काउंट करेंगे सिर्फ 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट होगा आंसर में बस, ठीक है। सो आंसर इज 5। ग्राफ जैसे बनाया, समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को? ग्राफ से कोई बनाया था? यस सर, चलो ठीक, सही है फिर। 3 तो है ना इंक्लूडेड, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तब तो इंक्लूड कर ही लिए हैं, 3 इंक्लूड किए तभी ना यहाँ से यहाँ तक मिला हमको, लेकिन क्वेश्चन में जो फाइनल क्वेश्चन बोला है इसमें देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट डिफरेंसिबल -3 से 3, हाँ, ठीक है इसमें ठीक है। ओपन है ना, इसको काउंट कर लेंगे अगर, तब तो फिर 5 और 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया, 7 पॉइंट हो जाएगा ना वैसे में। चलो ये बनाओ है ना, ये भी क्वेश्चन सिखाना बहुत जरूरी था हमको। अभी तक क्या होता था ना कि अगर ये और ये दोनों इंटरवल सेम सेम देता है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग जोड़ करके, बट यहाँ पे देखो इंटरवल अलग अलग दिया है, तो ये सीखना बहुत जरूरी है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। अच्छा टाइम हो गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, आज खींचते हैं थोड़ा, 5 मिनट और। आज कोई आया था पतंग उड़ाने? नो सर, कोई नहीं गया था इसमें से, बताओ, हम जाके खोए रहे थे तुम लोगों। अच्छा सर वहाँ है ही नहीं। नो यहाँ नहीं है तुम सर, प्रियांश? तुम नहीं सर।
देखो एफ ओ जी लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, देखो फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स का मतलब हो गया एफ के अंदर बैठेगा जी एक्स आके, ठीक है भाई, बैठाते हैं इसको। देखो सब लोग देखो, समझो ध्यान से कैसे इसको लिखना होता है। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया कि जहां पे ये एक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर यहाँ पे जी एक्स को बैठाओ, तो ये एक्स की जगह पे क्या लेके आएंगे, अब जी एक्स लेके आ जाइए, ठीक है, ले आते हैं जी एक्स को, एक लाइन यहाँ पे लिख ही लेते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी एक्स यहाँ पे लिख लो और +2 लिख लो, फिर यहाँ पे ये एक्स जो दिख रहा है यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जी एक्स लिखेंगे, और फिर बस जी एक्स का स्क्वायर बन जाएगा ये, इस तरीके से, ठीक है, यही काम करना है। तो देखो करना क्या है यहाँ पे, आप समझो यहाँ पे आप लिखते हैं ना, ध्यान दीजिए इसको हटा रहे हैं, आपको ना दोनों फंक्शन लेना है। अगर आप यहाँ पे जी एक्स को उठाएंगे और एक्स क्यू यहाँ पे लाकर रखो, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, जी एक्स आएगा तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो ये बन गया एक्स क्यू +2, है ना, ये लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इसको ये चेक करो कि इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से छोटा है और इसका इंटरवल 0 से छोटा है। जब भी ऐसा रहेगा, दो अलग अलग इंटरवल देता है, तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। तो ये बोल रहा है 0 से छोटा होगा और ये बोल रहा है 1 से छोटा होगा, तो ग्राफ क्या बोल रहा है, देखो लाइन क्या बोल रहा है, 0 से छोटा, और ये कह रहा है 1 से छोटा, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो जब आप इसको ऐसे पुट करेंगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो एक्स का वैल्यू है फाइनली वो <0 है, ठीक है, चलो उसमें उसमें 0 से छोटा है और ये 1 से छोटा है, तो <0 हो जाएगा पहला। दूसरा है, अगर यही एक्स क्यू को लाकर अब यहाँ बैठाएंगे, है ना, इसके देखो अभी क्या बोल रहे हैं, पहले एक्स क्यू को यहाँ लाके बैठाएं, ठीक है, पहला काम हो गया। सेकेंड, इसी एक्स क्यू उठाओ और लाके यहाँ पे रखो आप, तो ये बन जाएगा x की पावर 6, और इसका इंटरवल चेक करो, ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ये बोल रहा है 0 से बड़ा होगा, फिर आओ नंबर लाइन पे, ये कह रहा है 0 से बड़ा रखना, ये कह रहा है 1 से छोटा रखना, ये कौन आ रहा है भाई इतना लेट से, अभी 1 मिनट, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या मिला, ये मिला एक्स का वैल्यू, अगर हाँ x^6 क्या बोल रहे थे, 1 से छोटा है और ये बोल रहा है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा और यहाँ पे वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा 0 से बड़ा, इंटरवल क्या मिल रहा है, 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया, 0 को इंक्लूड कर लो एक जगह पे, चलो यहाँ पे इंक्लूडेड भी है। अब तीसरा समझो, अब क्या करना, ये यहाँ भी रखा चुका है और ये यहाँ भी रखा चुका है, अब अगला काम ये करना है कि अब आप इसको रखेंगे ले जाके यहाँ पे, और फिर इसको ले जाकर आप यहाँ रखेंगे, और जब ये फंक्शन रखेंगे 3x-2 यहाँ पर जाकर के, तो रखो 3x-2 और फिर +2 भी तो है वहां पे, तो +2 रख लिया है, और इस जगह पे आप देखेंगे तो देखो ये कह रहा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए, समझो ये बोल रहा है 0 से छोटा रखना और ये कह रहा है 1 से बड़ा रखना, कुछ इंटरसेक्शन मिला ही नहीं। तो जब भी इंटरसेक्शन पार्ट अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो उस केस में आप इसको नहीं लिखेंगे, इसको हटा दीजिए, नहीं रहेगा वो लिस्ट में, ठीक है। अब आप इसको उठाओ और अब यहाँ ले जाकर रखो, तो ये आ जाएगा आपका 3x-2 और ये हो गया स्क्वायर, ये क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर से देख लो 0 से बड़ा है और ये 1 से बड़ा है, इंटरसेक्शन क्या मिला, x का वैल्यू 1 से बड़ा है, इज इक्वल टू, ये हो गया आपका एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू। अब आपसे जैसा क्वेश्चन में बोला है, आपसे बोला है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो नॉट डिफरेंशिएबल की जब बात हो गई, तो आपको एफ डैश जी एक्स तो फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड करो, ये एक्स क्यू का हो गया 2x+2x हो गया सिर्फ, है ना, कर ले रहे हैं, बाकी तो पहले कॉन्टिन्यूटी तो चेक करना ही पड़ेगा आपको, ये हो गया 6x की पावर 5 और यहाँ पे हो गया x 1 से छोटा 0 से बड़ा, और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 3x-2 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको चेन रूल से, और ये हो गया x 1 से बड़ा है। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूटी आपको देखना है कि कहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो पहले आपको डिफरेंसिबिलिटी चेक करना ही पड़ेगा, तो चेक करो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0, मतलब 0 पे टू एक्स नहीं होगा क्या, 2x² होगा, सॉरी अरे क्या लिखे यहाँ पे, 3x² होगा ना, ये हो जाएगा 3x² है। अब देख लो यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो 0 पे और 0 पे LHL RHL बराबर आ जाएगा, तो फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो फिर 0 पे डिफरेंस यहाँ पे रखना था ना, सॉरी कॉन्टिन्यूटी के लिए यहाँ ना रखेंगे हम लोग, तो 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 और यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जा रहा है, मतलब कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब 0 पे डिफरेंसिएबल भी नहीं होगा, तो पहला पॉइंट मिल गया वो जहाँ पे फंक्शन डिफरेंसिएबल नहीं है। दूसरा, अब आप 1 पे चेक करो पहले कॉन्टिन्यूटी, तो 1 पुट करेंगे इस जगह पे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये मिला आपको 1 और
और यहाँ भी मिला था वन, देखो ना यहाँ वन पुट करेंगे तो थ्री में से टू गया वन, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, मतलब वन पे कॉन्टिन्यूअस तो है, और अगर वन पे कॉन्टिन्यूअस है तो वन पे डिफरेंसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो एफ डैश जी यहाँ पे वन माइनस है ना एल एस डी, तो अब यहाँ पे वन पे आ जाओ, तो वन पे कितना मिला, सिक्स मिला, और एफ डैश जी वन प्लस पे अगर देखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, तो ये वन पे आ जाएगा आपका थ्री माइनस टू वन और इंटू सिक्स, ये आ गया सिक्स। तो देखो एल एस डी आर एस डी बराबर आ गया, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू वन पर। तो उस हिसाब से हमारे पास जो आंसर आएगा, कितना पॉइंट हो गया, क्या पूछा था, नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो एक ही पॉइंट आया ना, और कहाँ पे पॉइंट आया है ना। अच्छा नॉट डिफरेंशिएबल बोला था ना, तो नॉट डिफरेंशिएबल में एक ही पॉइंट पे आया, जीरो पे, सिक्स पे तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो भी आंसर वन ही होगा, है ना। समझ आया कैसे हम लोग फंक्शन का कंपोजिशन किए यहाँ पे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बाकी लोग, यस सर, हो गया था ये क्वेश्चन बना था, बन चलो गया। यस एक और कर नो लें, सर। यस नहीं बना था ये वाला कर लें, और सर। चलो ठीक है करो इसको भी करो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी ग्राफ से खेलोगे ना जल्दी बनेगा बढ़िया से। डी है क्या सर? बी है क्या सर? डी। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ सर रहा आपका सर। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा आ गया, आ गया, हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो यहाँ पे वन और यहाँ लिखा है वन प्लस एक्स साइन एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू वन प्लस साइन एक्स लिखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप वन प्लस एक्स साइन एक्स का ग्राफ देखो कैसे जाएगा इसका, ये आपको पता है कि यहाँ पे जीरो होगा, फिर यहाँ पे एक आता है बीच में पाई बाई टू, और फिर एक आएगा आपका पाई, और फिर हो जाएगा ये थ्री पाई बाई टू, और फिर यहाँ पे हो गया टू पाई, हमको टू पाई तक ही जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब जीरो पे वैल्यू कितना मिल रहा है, तो जीरो पे वैल्यू मिलेगा आपको वन, ठीक है ना। जहां जहां मिलेगा उसको उसको पहले मार्क करते चलना, पाई बाई टू पे आ जाओ, पाई बाई टू पुट करेंगे तो साइन 90 होता है वन, तो बचेगा सिर्फ वन प्लस एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करेंगे तो वन प्लस पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू पे वैल्यू कहीं वन प्लस पाई बाई टू आएगा, और वन प्लस पाई बाई टू का जो वैल्यू होता है लगभग वन प्लस 3.14/2, ये वन पॉइंट समथिंग आएगा, और वन प्लस वन टू, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो वन से ऊपर चला गया है, तो पाई बाई टू पे जो वैल्यू है ये ग्राफ कहीं ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा हमको। उसके बाद अगर पाई पुट करेंगे तो साइन पाई 0 होता है, और 0 इंटू पाई 0 हो गया मतलब 1 मिलेगा, मतलब वो पाई पे आपको फिर से वैल्यू क्या मिलेगा, तो पाई पे वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, 3π/2 पे आ जाओ, 3π/2 पुट करेंगे तो साइन 3π/2 का वैल्यू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1, तो 1 -3π/2 तो बन जाएगा 2 -3π/2। और इसका भी वैल्यू जो है कुछ वैसे ही नीचे आएगा, है ना, 3π/2 पे वैल्यू कितना आएगा पता नहीं, और हम लोगों को उससे मतलब ही नहीं रहेगा, बस खाली इतना समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना। देख लो ये तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे हमको दिखा दिया इसको। अगला है 2π, 2π पुट करेंगे तो साइन 2π 0 हो जाएगा, और 1 + 2π मतलब ये 0 मतलब सिर्फ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस जगह पे आ जाओ, ये रहा 1, है ना, ऐसे। अब आप सारे पॉइंट्स को मिलाइए, मिलाएंगे आपको तो आपको मिलाना है साइनसोइडली कुछ ऐसे, साइन जैसा, तो ये ऐसे चलेगा, है ना। अच्छा, इसको मिलाते हैं डॉटेड लाइन से, क्या पता अभी आगे मिनिमम मैक्सिमम भी ना क्या आएगा पता नहीं है। तो इसको ऐसे लेके चलो, इसको फिर यहाँ से ऐसे लेके आओ, और फिर यहाँ से ये ग्राफ ऐसे जाएगा नीचे, है ना। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे ध्यान से कि अगर कर्व स्मूथ नहीं बनेगा तो मैनेज करना, ये ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ से ये वैल्यू नीचे जाएगा, और देखो यहाँ से ये वैल्यू 2π पे वैल्यू जो है 1 तक पहुंच रहा है, तो यहाँ तक आएगा, है ना। ध्यान रखना ये थोड़ा ऐसे कॉर्नर नहीं है ये, ना, ये स्मूथ है, ठीक है। ये आपका ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। अब दूसरा चीज क्या बोला है, 1 का भी ग्राफ प्लॉट करना है, तो 1 के लिए तो y=1, तो लाइन खींचना है बस, यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन खींच दो, सिंपल, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो है ना हम लोग डॉटेड लाइन खींचते हैं ताकि बाद में कंफर्म हो जाए कि भाई क्या होने वाला है। ये हो गया आपका y=1। अच्छा, जाना तो 2π तक है ना, तो हम आगे क्यों जा रहे हैं भाई, यहीं तक रहेंगे। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, मिनिमम बोला है, तो मिनिमम पार्ट इसका क्या हो जाएगा, देखो ये इतना से इतना दूर में ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतने से इतना दूर में ये वाला पार्ट मिनिमम आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट ऐसे टर्न ले लेगा इस तरीके से, है ना, कॉर्नर बनाते हुए। और देखो यहाँ स्मूथ है ना, इसको मत बोलना कि डिफेंसिबल नहीं है ये, और यहाँ से यहाँ तक चला गया ऐसे, ये हजम नहीं हो रहा है ना, ये ऐसा बन गया है ना, तो ये हमको हजम नहीं हो रहा, लग रहा है कि नॉन डिफरेंसिबल है। तो अब आप लोग आंसर सोचिए, जरा विचार करिए आंसर के बारे में। तो ये हो गया ऐसा ना, अब बताओ जरा सा, ये हमारा मेन ग्राफ हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। अब कहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऐसा कोई दिख रहा है क्या, कोई पॉइंट जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है? देखो यहाँ से ऐसे सीधे आया, ऐसे टर्न ले लिया, और फिर ये ऐसे, कहाँ हैंड रेज तो नहीं करना पड़ रहा है बनाने के लिए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हर जगह है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, तो ऐसा डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट कोई नहीं मिला, मतलब 0 हो गया फंक्शन, तो 0 हो गया मतलब, तो कौन सा वैल्यू 0 हो गया, कौन सा वैल्यू 0 हो गया, एन का वैल्यू 0 हो गया। देखो एन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो एन का वैल्यू 0 हो गया। नॉट डिफरेंसिबल वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो बताओ नॉन नॉट डिफरेंसिबल का पॉइंट कौन सा होगा, बताइए कोई, कहाँ पे डिफरेंसिबल नहीं है? हाँ भाई, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, बाकी इधर से इधर हर जगह कर्व बन रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशियबल है, तो एक ही पॉइंट मिला जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, तो 1,0। बी आंसर दिया था कोई? यस सर। ये हो जाएगा 1,0, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग बनाना घर पे, है ना, ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा इजी नहीं है, ये वाला बनाइए, इसको भी कर लेते हैं आज, क्योंकि आज खत्म करेंगे इसको, अगले क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन पे चलेंगे, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, इजी क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं फिर है होमवर्क में कौन सा ये वाला, होमवर्क में इसको करना। चलो इसको बनाओ, इसमें एक चीज हमको सिखाना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी आपसे। सी आ रहा है। सी सी नहीं आएगा,
बी है क्या सर? डी भी नहीं होगा, अब दो ही गो ऑप्शन बचा है। सर बी बी। बी, हाँ बी सही है। बड़ा जल्दी बना ली, तेज हो गई है। चलो देखो, फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। देखो इसमें ना आपको एक चीज सिखाना है, वो ये है कि मॉड एक्स, और अगर कहीं पे साइन मॉड एक्स लिखा है ना, तो इसका वैल्यू पता है क्या होता है? एक्स साइन एक्स, मॉड हट जाता है। क्यों? अगर आप यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 से पॉजिटिव रखेंगे, मतलब 0 से बड़ा रखेंगे, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो एक्स साइन एक्स मिलेगा। अगर एक्स 0 से छोटा भी रखेंगे, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो माइनस माइनस बाहर आके प्लस बन जाएगा, मतलब एक्स साइन एक्स ही मिलेगा। इसी का हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। देखो कैसे यूज कर लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक्स माइनस वन मॉड लिखा है और साइन एक्स माइनस वन मॉड लिखा हुआ है। तो एफ एक्स का जो वैल्यू है ना, एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस वन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन और यहाँ पे साइन और यहाँ पे एक्स माइनस वन। उसके बाद बचा हुआ है कॉस और एक्स माइनस टू, और कॉस एक्स माइनस टू पे ना मॉड लगा हुआ है, और कॉस में जो मॉड मॉड लग जाता है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे भी कॉस का नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता है, तो मॉड से कोई मतलब नहीं है कॉस को, तो ये मॉड हट जाएगा। प्लस यहाँ पे बचा आपके पास एक्स माइनस थ्री, हाँ बस ये जो मॉड के अंदर बैठा हुआ ना, यही तकलीफ दे रहा है। इसको आप मॉड के अंदर लिखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको फैक्टराइज करके बताओ कोई फैक्टर क्या आ रहा है इसका। एक आ रहा होगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस और फोर, फोर आ रहा है, ये दो फैक्टर इसका मिल जाएगा। अब देखो हम लोग को ना इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे इतने दूर से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये इसमें वही मॉडुलस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इसमें आ जा रहा है कि ये मॉडुलस फंक्शन आ गया, और मॉडुलस में जहाँ पे फंक्शन 0 होता है, वहाँ पे शार्प कॉर्नर पॉइंट बनता है, मतलब एक मिला एक्स इज इक्वल टू वन और एक मिलेगा आपको एक्स इज इक्वल टू फोर, ये दो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो फिर यही आंसर हो गया, तो दो पॉइंट होगा आंसर में। वाह गुड, बना ली थी लड़की, क्या लगाई थी दिमाग, थोड़ा बताना हमको भी। सर ये सवाल ना ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पहले मेरे को डाउट था तो मेरे को कॉन्सेप्ट याद था। अच्छा अब कॉन्सेप्ट याद था, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ सर। चलो ठीक है, हो गया है ना आज का कोटा पूरा हो गया हम लोग का, सीख लिया ना लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी। अभी भागना मत रुको, 2 मिनट बाद करना है, भाग जाता है खटखटे एकदम जल्दी जल्दी। अरे कहाँ गया, एलसीडी खत्म हो गया ना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, होमवर्क नहीं कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं। अगले क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करें ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नो सर। चलो अब क्या करना बताते हैं ना, सुनो, अगर आप बहुत सीरियसली अगर आप इसका क्लास किए हैं, है ना, हमको नहीं पता कि आप लोग पहले से पढ़ रखे थे कि नहीं पढ़ रखे थे, बहुत कुछ सीखे है ना, हर क्वेश्चन में कुछ नया नया सीखे होंगे हम लोग, तो एक बार ना इसका एक टेस्ट पेपर भेजेंगे आप लोगों को, बताइए सॉल्व करेंगे आप लोग, सिर्फ एलसीडी का, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा उसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 10 या 15 क्वेश्चन देंगे बना करके, और भेजना हमको, देखेंगे कि कितना बना पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, सर बता रहे थे कि एलसीडी आप लोग का ठीक से शायद नहीं हुआ था, पढ़े नहीं थे ठीक से आप लोग। चलो फिर ठीक है, तो आज रहने देते हैं, इतना काफी है, अब हम लोग मिलते हैं सर कल। हाँ बोलो, एनी चांस आपके पास कल का क्वेश्चन है जो